टिकट मिलने के बाद सोलन पहुंचते ही कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन से अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत धनीराम शांडिल शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर जनता से संपर्क साध रहे हैं और उनकी समस्याओं को निपटाने का आश्वासन देकर उनसे अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वर्तमान में सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल शिमला संसदीय सीट से पहले भी दो बार सांसद और एक बार मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर पार्टी ने शांडिल के ऊपर दाव खेला है। सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने लोगों को विकास के नाम पर गुमराह किया है और मात्र कांग्रेस के समय किए गए कार्यों को भुनाया जा सकता है और इसे जनता भली भांति समझती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नोटबंदी व GST जैसी योजनाओं से आम आदमी आहत हुआ है और लोगों ने अब इनको नकारने का मूड बना लिया है। आज देश का जो वातावरण है वो कि जब से नोटबंदी GST हुई है लोगों में काफ़ी आक्रोश है, खासकर गांव में और उन कमज़ोर वर्गों में, खास जो हमारा कृषक वर्ग है, इन सब में जिनसे मैं समझता हूँ कि नोटबंदी के वक्त जिनको दिक्कतें हुई, GST से जो हमारे छोटे व्यापारियों को दिक्कतें हुई, इन सब का एक ऐसा वर्ग बन गया है जो चाहते हैं कि हमारे देश में बदलाव हो। और मेरा मानना है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि वो बदलाव करेंगे। हिमाचल में जो है हमारा चुनाव जो है वो बिल्कुल विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जो महंगाई की मार आम आदमी को है इसमें हमें देना है, हमारे को यहाँ की लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपने पर्यटन को, यहाँ के जल संसाधनों को ठीक ठाक करना है और उनमें जो केंद्र का भाग है उसको पूरी सहायता लेके अच्छी प्रकार की योजनाएं बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देकर यहाँ की बेरोजगारी को दूर करना है। तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में माहौल गर्माता जा रहा है, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जनता से लोक लुभावने वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।